होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहा है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहा है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अडंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा, अर्थात वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतल में भी वह उसको मिला और वही हमसे उसने बातें की, अर्थात यहोवा सेनाओं के परमेश्वर ने, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। इसलिए अपने परमेश्वर की ओर फिर और कृपा और न्याय के काम करता रहा और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जो होता रहा। वह बनिया है और उसके हाथ में छल का तराजू है। अंधेर ही करना उसको भाता है और एप्रेम कहता है कि मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे सब कामों में से किसी में ऐसा अधर्म नहीं पाया जाएगा जिससे पाप लगे। मैं यहोवा तो मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे फिर तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। मैं भविष्यवाणी से बातें करता और बार बार दर्शन देता और भविष्यवाणी के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूं। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं? वे तो पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी बेदियां उन ढेरों के समान हैं जो खेत की रेघारियों के पास हो। और याकूब आराम के मैदान में भाग गया था। वहां इसराइल ने पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था। और एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इसराइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। एप्रेम ने अत्यंत रीस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा। और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्टा लगाया है वह उसी को लौटाया जाएगा।